मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर राजीव जैन आज अम्बाला में आए और यहाँ आके इन्होंने जो है जब से इन्होंने पद संभाला उसके बाद पहली बार ये यहाँ आए, सभी पत्रकारों से मुलाकात की, आपने जो है पदभार संभाला, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मैं स्वयं जो एक पत्रकार रहा हूँ, इसलिए पत्रकारों की समस्याओं का समाधान करना और पत्रकार सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में कैसे काम करे, इसके बारे में जो है सारी योजनाएं बनाना जो है प्रथम मेरी प्राथमिकता होगी। और मैं समझता हूं कि हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है बहुत प्रयास किए हैं, और जिसमें विशेष रूप से पत्रकारों को सम्मान देने के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की गई, पत्रकारों के बीमारी की दशा में कोई उनकी मदद करने के लिए मेडिक्लेम जो है कैशलेस पॉलिसी शुरू की जा रही है, जीवन बीमा की शुरुआत की जा रही है, पत्रकारों को समाचार संकलन में समाचार भेजने में कोई दिक्कत ना आए उसके लिए मीडिया सेंटर्स की शुरुआत की गई है, और साथ साथ जो है पत्रकारों को मान्यता देने के नियम जो है सरल करने का काम जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। राजीव जी, आप खुद जो है हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ जुड़े रहे बहुत सालों तक, और आप खुद मांगे उठाते रहे हैं सरकारों से, अब आप खुद सरकार में एक अहम जिम्मेवारी पर हैं, किस तरीके से पत्रकारों की मांगों को आप पूरा करवाएंगे और जो उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करवाएंगे? देखिए, पार्टी का मीडिया एडवाइज़र होने के नाते मैंने पत्रकारों की समस्याएं जो हैं विभिन्न यूनियन जो मेरे संपर्क में थी सबसे चर्चा करके जो है मैंने कुछ मांगे मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी, और मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष मन से जो है उनको स्वीकार करते हुए उन सब की जो है अनुमति दी, उनकी जो है मंजूर किया, और मैं समझता हूँ इसी तरह से पत्रकारों से और सुझाव लेकर, क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वेब पोर्टल, सबकी अलग अलग समस्याएँ हैं, उन सब समस्याओं का समाधान करना जो है सरकार करेगी। राजीव जी, पत्रकार जो हैं उनको वैसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन बहुत से मीडिया हाउसेज जो हैं वो पत्रकारों का शोषण करते हैं, समय पे तनख्वाह नहीं देना, जो पैसे हैं उनको समय पे नहीं मिलते, उसके लिए आप क्या ठोस कदम उठाएं? देखिए, ये जो है पत्रकारों का और संस्थान के बीच के मामला है, और इसमें मैं समझता हूँ कि आपकी जो श्रमजीवी यूनियंस हैं उनको काम करना चाहिए इस बारे में। बाकी प्रदेशों में हाउसिंग पॉलिसी है, तो हरियाणा के पत्रकारों के लिए उनको छत देने के लिए क्या कुछ करेगी आपकी सरकार? देखिए, इसके लिए जो है अभी हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो हाउसिंग पॉलिसी है पत्रकारों के लिए जो उन सरकारों ने बनाई है उसको हमने मंगवा कर जो है अध्ययन करना शुरू किया है, और उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉलिसी हो सकती है वो उसको जो है बनाने का काम करेंगे। मेडिक्लेम फैसिलिटी जो है उसको भी लागू करने जा रही है सरकार? बिल्कुल जो है 5 लाख रुपए तक का जो है कैशलेस मेडिकल, कहीं भी किसी पत्रकार को जो है बीमारी होती है, कोई तकलीफ आती है, कोई अचानक जो है किसी तरह की दिक्कत आती है, तो वो हॉस्पिटल में जाके जो है कैशलेस मेडिकल पॉलिसी के माध्यम से अपना इलाज करा सकता है। तो ये पूरे परिवार के लिए रहेगा? बिल्कुल परिवार के लिए रहेगा। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइज़र राजीव जैन, जो कि पत्रकारों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, और साथ ही ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार पत्रकारों के लिए बहुत से राहत जो कार्यक्रम हैं वो लेकर आएगी। हम सभी पत्रकार साथियों की तरफ से राजीव जैन जी को इस पद के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, और हम आपको ऐसे ही अम्बाला की कुछ और अपडेट्स देते रहेंगे।